गाइस मैं आपको बताता हूँ ये आपको होलसेल में कहाँ परचेज़ करना है। आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा पूरी डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये बिज़नेस कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ आइडिया, कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देता हूँ कि आपको माल कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, एक इंडिया मैप वेबसाइट है, ये ऑलरेडी मैंने खोल रखी है। तो यहाँ पर आपको सारे प्राइजेस दिखाएंगे, कोई 2200 रुपये किलो बेच रहा है, 1400 रुपये किलो है। ये इंडिया की एक भरोसेमंद साइट है जिससे हम मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर सब यहीं मिल जाएंगे आपको। पर हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसी पे, क्योंकि इसलिए करना पड़ती है, हमें इसमें मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स को हमें अच्छी तरीके से ढूंढना होगा। हमें 20-25 लोगों से बात करनी होती है, उस रिकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है, उससे हमें बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है, बार्गेनिंग के बाद अच्छी डील करनी पड़ती है। तो डील कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है, 2-3-4 से ऑलरेडी मैंने बात किया है, जो उन्होंने प्राइस दिख रहे हैं, जो उन्होंने दिखाया प्राइस, ये एक्चुअली में B2B के रेट नहीं है, B2C के रेट होते हैं, कस्टमर टू बिजनेस टू कस्टमर, मतलब आपको कस्टमर रेट बताएंगे आपको ये। तो समझते हैं, ये कोई 2700 रुपये किलो बेच रहा है, 1500 रुपया, कोई 1600, कोई 200 रुपया किलो भी बेच रहे हैं, लेकिन आपको उसको ढूंढना पड़ेगा कि 200 रुपये वाला क्या है, 200 रुपये 300 का है क्या है, 1000 का क्या है, 1200 रुपये का क्या है, 1700 रुपये का क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। तो समझ सकते हो इस वेबसाइट जो है ना भरोसेमंद साइट है। देख सकते हो ये 900 रुपये किलो सूखा दे रहे हैं, ये 1399 रुपये किलो दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, ये 250 रुपये किलो में दे रहे हैं। आप देख सकते हो 250, 2300, 900, आप समझ सकते हो 350 रुपये किलो भी बेच रहे हैं। आप समझ सकते हो 350 रुपये में कैसा रहेगा, क्या रहेगा। मैंने ऑलरेडी 350 वाले से मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो उन्होंने हमको व्हाट्सअप भी किया हुआ है, हमें व्हाट्सअप पे भेजा हुआ है। तो मैंने व्हाट्सअप पे, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने व्हाट्सअप के उनसे मैंने ये भी डिटेल्स पूछा हुआ है कि हमें कितना माल लेना होगा, कितना प्राइस आपका रहेगा, क्या कुछ इसमें बार्गेनिंग रहेगा। तो उन्होंने बताया कि इसमें हम आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ 2-4-5 रुपये कम कर सकते हैं। चलिए मैंने कहा 2-4-5 रुपये नहीं कम करेंगे, हम माल ज़्यादा परचेज़ करेंगे, बल्क रेट में परचेज़ करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 210 या 300 रुपये में हम दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैंने माल अगर हम परचेज़ कर लेते हैं, हमें बेचेंगे कैसे और कहाँ बेचेंगे। तो सबसे पहले आप जो भी सिटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, मैं एक्चुअली में डालता हूँ ऑल सिटी इन कानपुर किराना स्टोर्स, हम इन स्टोरों पर बेचेंगे। हमें वो कहाँ पर मिलेंगे, गूगल मैप पर, ये देख सकते हो ये गूगल मैप है। तो मैंने ऑलरेडी खोल दिया है गूगल मैप को, वहाँ पर जाके ये सर्च करेंगे कि जितने भी हैं जो आपने किराना स्टोर खोल रखे हैं, हमको सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कैसे कॉन्टैक्ट करना, जैसे हम लिस्ट खोलेंगे तो ऑल जितने भी हैं वो हमें लिस्ट मिल जाएगी। उसमें क्या होता है, सारे उनके कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, एड्रेस, शॉप का नाम क्या है, शॉप कैसे है, क्या ऐसी और शॉप है उनकी, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो, क्या क्या बेचते हैं और क्या क्या नहीं बेचते हैं, वो सारी चीज़ उनके यहाँ पर देख सकते हो। तो उनसे आप कांटेक्ट करने के लिए, उनके कांटेक्ट नंबर दिया है, उनको बताइए कि मैं इस तरीके का मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ पर इलायची का काम होता है, वो भी होलसेल रेट पे। आपको ये नहीं बताना है कि मैं होलसेल रेट पे परचेज़ कर रहा हूँ, जो आपको माल देता है वो आपको प्राइस देख सकते हो। आप इसी पे जाके सर्च भी कर सकते हो, आप नियर बी कोई होलसेलर सर्च करके आप उनसे भी बात कर सकते हो कि आप क्या रेट में देते हो। उस रेट से आपको 1-2 रुपये सस्ता करके बेचना है तो आपको मार्केट में आपका अच्छा खासा नाम हो जाएगा, फिर अपने प्राइजेस बढ़ा सकते हो। तो समझ सकते हो इन शॉप पे जाके बेचना है, उनको कांटेक्ट करना है, जैसे अक्षय कुमार हैं, ये लल्लू मंडू करके हैं, ये ऐसी सारी शॉप जो हैं उनसे कांटेक्ट करना, उनके नाम नंबर वगैरह सब दिए हैं, उनको लिस्ट बनाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको पहले लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना के आपको एक अच्छी तरीके से लिस्ट बनाओ, व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, वो ग्रुप बना के उन पर अपने सारे ये जो भी प्रोडक्ट रहेंगे उसमें आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इनको आप उनको बता सकते हो हमारे पास 50 ग्राम, 200 ग्राम। चलिए मैं आपको बताऊंगा पैकेजिंग कैसे करवाना है, पैकेजिंग कहाँ से कर सकते हो, ऑनलाइन ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस तरीके की आपको बंडल के बंडल प्रिंटेड पाउच मिलते हैं, तो ऐसे प्रिंटेड पाउच को क्या करना है, आपको बल्क में परचेज़ करना है, और ऐसे जब बल्क में परचेज़ करोगे घर पे ही बैठ के इसको आप सीलिंग कर सकते हो। सील कैसे करना होता है, किस तरीके से करना है वो भी बताऊँगा।
तो ये बंडल जो होते हैं ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं, 150 रुपया 200 रुपये किलो मिलते हैं। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको लिंक और वेबसाइट दोनों बताऊंगा कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और सीलिंग कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। सीलिंग इस तरीके की जो मशीन होती है मात्र सिर्फ ओनली 700-800 रुपये में ये मशीन आ जाती है। आप चाहो तो इसे वेबसाइट ऑनलाइन भी कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट पर अगर आप करोगे ये प्रिंटेड पाउच होते हैं इस तरीके से, आप जैसे आप अपना भरेंगे इसमें अपने प्रिंटेड पाउच में, और यहाँ पर अपना मार्कर से भी लिख सकते हो कि क्या प्राइस होता है, किस तरीके से सील हो जाता है, ये अच्छी तरीके से सील हो जाए। इतनी बेहतरीन पैकेजिंग हो जाती है इससे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मशीन से पैकेजिंग हुई है कैसे हुई। ये मात्र सिर्फ ओनली 700-800 रुपये में आने वाली मशीन से ये अच्छा खासा पैकिंग हो जाता है। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको सेल होगा तो अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना है, फिर जब आपको प्रॉफिट और मार्जिन दोनों आपको हो तो आप चाहे तो इससे बड़ा धंधा बना सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रॉफिट के साथ साथ बिज़नेस भी बहुत ही ग्रोथ कर सकते हो आप, और जब बिज़नेस बड़ा हो जाए तो आप बड़ी बड़ी मशीनें भी ले सकते हो। गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिज़नेस करो, बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी है इस बिज़नेस में। ऑल द बेस्ट गाइस।